ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगू दुआ जो। ले जाओ ना, आजकल तो सभी लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल। ठीक, ऐसा कर तू चली जा अपना रिश्ता करने के लिए, हम यहाँ बैठ के तेरा इंतजार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। माँ, आजकल सब लड़कियां ना अपने ससुराल जाती हैं, जमाना बहुत बदल गया है। जमाना बदल गया और भी बहुत कुछ होता है, वो भी कर ले हैं। इतनी खूबसूरत ना लगा करो कि मेरी नजर ही ना हट पाए। वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो या सिर्फ मुझे लगती हो? ये सवाल तो आप अपने आप से पूछो। जवाब तुमसे चाहिए। जवाब नहीं है मेरे पास। मियां की तारीफ नहीं करनी आती ना तुम्हें? अरे यहाँ बीवियां पूरा पूरा दीवान लिख देती हैं मियां पे, और तुम अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते हैं, आगे नहीं निकल सकते। जब आप इस रूप में होते हैं ना मुराद, मुझसे मोहब्बत से बात करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लो नाम लिया आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ना जाने क्यों ये बिन बुलाए लोग आ जाते हैं, हमेशा मुसीबत खाना। चची जान और महर तो यहां से नहीं जाएंगे, अलबत्ता आपके गेस्ट हैं वो यहां से जा सकते हैं। और एक और बात, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं रेस्ट करने, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठहरो अरुण एक सेकंड के लिए, नीचे मेहमान आए बैठे हैं यार, और तुम दोनों माँ बेटे को एक दूसरे से उलझने से फुर्सत नहीं मिल रही है, यही तमाशा करना था तो उन लोगों को क्यों बुलाया था तुम लोगों? तो ये बात इनको समझाए ना। मैं दरी रहूंगी जब तक वो औरत नहीं जाती। चची जान इस फैमिली का हिस्सा है और इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। आपने सब घर वालों को तो देख ही लिया है, अब आपकी तरफ से हाँ समझूं मैं? हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो पक्की हाँ है, बस नाजिया बहन आ जाए तो और पक्की हो जाएगी। क्यों भाई मुराद? हाँ, जैसे बड़ों का फैसला है। पहले मैं इस हैरत से तो निकल आऊं कि ये गुस्सा जैसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ और एक घन घरज जिसे अपने कानों से सुन रहा हूं, ये वाकई मेरी बीवी? तुम्हें इतना गुस्सा आता है मुझे आज एहसास हुआ। एक मिनट, ऊपर करें। ये लड़की कौन है, इसका तारुफ नहीं करवाया आपने? ये कजन है मेरी, खाला की बेटी है। कितनी प्यारी है, ये भी गई थी? गई थी हाँ, ठीक है। अरे घर वाली और बाहर वाली जो चक्कर है ना, वाट लगा देगा मेरी। एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। वो घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए, राशन भी खत्म हो गया और पैसे भी। घर के खर्चे के लिए पैसे? लेकिन तुम तो ये घर खुद चलाती रही हो, पैसे पहले कभी तुमने कुछ नहीं मांगा? चलाती थी, लेकिन पहले तो सिर्फ घर की डाउन पेमेंट देती थी ना, और अब लोन की किस्त भी सैलरी से ही कटेगी, और जो सैलरी हाथ आएगी इतनी कम होगी, घर का कैसे काम करवाऊंगी मैं? इतने काम है इस घर में, कला के नए कपड़े लेने हैं, उसकी स्कूल की फी देनी है, बहुत सी चीजें। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है ना, जो तुमसे पैसे लिए थे उसमें और डाल के इन्वेस्ट कर दिए मैंने, और स्टेट एजेंसी की तो कमाई बिल्कुल हवा ही होती है, प्रॉफिट आना हो तो लाखों का आता है, नहीं आना हो तो महीना महीना आपको सिर्फ खर्चा भरना पड़ता है। फिर घर कैसे चलेगा मुराद? तुम एक काम करो, तुम कंपनी से कहो कि लोन की किस्त में कमी कर दे और थोड़ा हाथ खींच के घर चलाओ। आज से आप अकेले घर जाया करेंगे। आपके वालिद के वफात का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं कोई ख़राब बंदा नहीं हूँ, मैं आपको कोई नुकसान? अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या कर रही हो यहाँ? मैं घर जा रही थी। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊँगा। कहाँ धूप में ख्वार हो गया, आओ बैठो। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात आप घर नहीं आए? बहुत भूख लगी यार, खाना खिला दो मुझे। मैसेज तो किया था, हैदराबाद जाना पड़ा। मेहर बता रही थी कि आप उससे मिले थे। हाँ, उसके स्कूल के बाहर से गुजर रहा था, धूप में खड़ा देखा तो लिफ्ट दे दी। बड़ी जल्दी कॉल कर दी साली साहिबा ने। मुराद, आजकल आप रातों को ज्यादा घर से बाहर रहने लगे। तो काम के सिलसिले में बाहर आता हूँ ना, मैंने कौन सी दूसरी शादी कर रखी है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।